हलबल की पवित्र भूमि में मैं आकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। राजा नाहर सिंह जी की धरती पर आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। राजा नाहर सिंह जी का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का प्रतीक है। मैं राजा जेत सिंह नागर जी को भी नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, हरियाणा में सुनाव है और पलवल में भी सुनाव है। मैं यहां आके आपका बीच में जो उत्साह और उमंग देखा हो, मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूं, गौरव भाई जीतने वाला है और जीतेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, लोकसभा चुनाव का पहले राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके हुए पूरा भारतवर्ष घूम रहे थे। वो समय उन्होंने एक माहौल पैदा किया था कि अगले बार दिल्ली में मां और बेटा का सरकार बनेगा, लेकिन राहुल गांधी का सपना पूरा नहीं हुआ, मां बेटा का सरकार नहीं बना। और आज मैं हरियाणा में भी बोल सकता हूं, बाप बेटा का सरकार नहीं बनने वाला है, ये गारंटी है, मैं आपको बोल सकता हूं। भाई और बहनों, आप लोग देखे हो पूरा भारत में ये कांग्रेस ने एक तुष्टीकरण का माहौल बना के रखा है। जहां भी जाओ कांग्रेस का एक ही बात है कि मियां और मुसलमान को कैसे वो अपने जगह में ले जा सकता है, कैसे देश का शासन दे सकता है। अगर कांग्रेस सरकार देश में नहीं होते थे तो अयोध्या में हमारा रामलला का मंदिर आज से 70 साल पहले बन चुके थे। लेकिन भाई और बहनों, आज ये 70 साल हमारा देश में बाबर को किसने पाल के रखा था, ये कांग्रेस वाला ने ये बाबर को पाल के रखा था। अभी बाबर का जगह में रामलला तो आ गया, लेकिन हमारा देश का कोने कोने में अभी भी कोई बाबर छुपा हुआ है। ये सारे बाबर को हमारा देश से धक्का मार के हमें निकालना है और उसके लिए हमें बीजेपी को बार बार जिताना है। भाई और बहनों, मैं असम से आता हूं और हमारा असम का राजनीति भी अपना जो नू है ऐसा ही था। हमारा असम में भी एक समय ऐसा था कि हर चुनाव का पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगते थे, लेकिन ये 3.5 साल का हमने सरकार चलाया और ये लोगों को हमने अपना प्यार और मोहब्बत दिया, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद नारा वो लोग जिंदगी के लिए भूल गया है। मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूंगा। भाई और बहनों, हमारा यहाँ में चुनाव का नामांकन हुआ, हमारे हरियाणा में फातिम में इसराइल खान जैसा उम्मीदवार नामांकन देने आते हैं और नामांकन पर्व में पाकिस्तान का जिंदाबाद बोलते हैं। मेरा एक ही बात होगा, हरियाणा में जब हमारा सरकार बनेगा मैं नायब सैनी जी को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये भातिम में जो लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद दिया, वीडियो देख के उनका चेहरा सामने लाना है और धक्का मार मार के ये लोगों को अपना ठिकाना दिखाना है, यही हमारा काम। जिकोनो खबर जोगाजोग करक 7099017330 अथवा 7099017990 नम्बर।